मालेगांव शहर और परिसर में जो भी पीछे के दिनों में कुछ चोरी के रोड रॉबरी के वाक़े हुए थे, उसके चलते जिला पुलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने सर ने स्थानीय गुन्हे शाखा और पुलिस स्टेशन रावलगांव इन सभी लोगों को इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की सूचनाएं दी थी। उसके चलते जितने भी गुन्हे हुए थे उनके सभी फरियादी वो गुन्हे के सभी साक्षीदार और वहाँ पे मिलने वाली सब मालूमात जिसमें आरोपी का हुलिया हो, उसकी कोई बोली भाषा हो, ये सब चीज़ों के चलते स्थानीय गुन्हे शाखा यानी कि LCB नासिक ग्रामीण के प्रभारी अधिकारी राजू सुर्वे और उनका जो पथक है ये लोगों ने इसमें आज मालेगांव शहर से 10 लोगों को ताबे में लिया है। जो लोग ताबे में लिए गए हैं वो लोगों ने इनमें से 9 गुने उन्होंने कबूल किए हैं। वो लोगों के साथ में जो भी हथियार थे वो बरामद किए गए हैं, उसमें 6 मोबाइल है, 3 मोटरसाइकिल है, 1 तलवार है, 2 कोयते है और 1 फायर आर्म भी उसमें हमने बरामद किया है। कुछ पानी के मोटर पंप जो है वाटर मोटर पंप वो भी हमने जब्त किए हैं। हमको ये अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ध्यान में आया है कि ये सब लोगों ने मालूमात निकाल के ये सब चोरियों को इन सब वारदातों को अंजाम दिया था। इसके चलते अभी जो 10 आरोपी निष्पन्न किए गए हैं उनके तरफ अभी भी हमारी तफ्तीश चालू है, उसमें ऐसा ध्यान में आ रहा है कि और भी कुछ गुने इनसे कबूले जाएंगे और कुछ नए आरोपी भी इसमें निष्पन्न किए जाने वाले हैं। हम सभी लोगों से ये आह्वान करते हैं कि वो अपने घरों के पास आसपास एरिया में CCTV लगवाए और जैसे कोई संदिग्ध कोई दिखता है तो उसकी मालूमात नज़दीकी पुलिस स्टेशन या कंट्रोल रूम को आप ज़रूर इतला करें।